आज वफाकी वज़ीरे कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उन्होंने भी इस मसले के ऊपर एक बड़ी पावरफुल किस्म की स्टेटमेंट दी है, दिखाईगा वो क्या कह रहे हैं। इमरान खान साहब के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि ये लाडले हैं कुछ हलकों के। जब कानून का इतलाक किया जाए इमरान खान साहब पे तो उसी आंख के साथ किया जाए जिस आंख के साथ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकदमात का फैसला हुआ और माजी करीब में हुआ। संगीन नौइयत के कंटेम्प्ट के मुकदमे में अदालत ने नर्म दिली का मुजाहरा करते हुए एक और मौका फराहम किया कि आप अपने रवैये पे मजीद नज़र सानी करें और आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि आप एक और जवाब दाखिल करने के बारे में सोचें ताकि आपको कोई रास्ता मिल सके। आर्टिकल 25 आईने पाकिस्तान का ये कहता है कि सबसे सलूक एक जैसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स के जो साबका फैसला जात हैं रिसेंट पास्ट के, मैं ये तवक्को रखता हूँ कि अदालत आलिया इस्लामाबाद इस मुकदमे का फैसला करते हुए भी उन मुकदमात को सामने रखेगी। एक सिलसिला है जो पिछले एटलीस्ट 4 सालों में 90 की दहाई में भी हम देखते थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर मुकदमात करते थे, लेकिन अब पीटीआई ने कोई जगह नहीं छोड़ी जिसमें कोई मुस्लिम लीगी कोई लीडर उनके काबू आया हो या ना भी काबू आया हो तो 15 किलो हीरोइन डाल के राणा सना को पकड़ लिया था। शायद कुछ आपस में डिस्कस करके कुछ इन सियासी जमातों को बैक चैनल से इंटरेक्शन करें कुछ रवादारी का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अहमद बिलाल साहब, सर मेरे ख्याल में ऐसे मामलात में अगर एक तसलसल नजर आ रहा हो तो फिर मेरे ख्याल में कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। ये देखिए कुछ मामलात इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जेरे सवाल है और माजी में भी रहे हैं और माजी में भी इसी तरह से दरगुजर से काम लिया गया है, लेकिन अगर आपको किसी चीज में कोई तसलसल नजर आ रहा हो तो फिर मेरे ख्याल में कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, दरगुजर करना चाहिए और मौका भी फराहम करना चाहिए, लेकिन अगर एक पैटर्न उभरता हुआ नजर आ रहा हो तो फिर ये मजाक बन जाएगा। मैं देखता हूँ इलेक्शन कमीशन के मामले में भी जो रवैया अपनाया गया उसने भी कंटेम्प्ट के नोटिस दे रखे हैं, इसी तरह अदालत के अंदर भी ये मामला चल रहा है। तो अब अदालत को बहरहाल खुद दरखास्तें और मसालियतों की बजाय कुछ कानून का रास्ता भी अपनाना चाहिए ताकि लोगों को कुछ मैजेस्टी ऑफ लॉ का भी अंदाज एहसास हो।